हूती विद्रोहियों ने अमेरिका से अपना बदला ले लिया है। यमन के हूती विद्रोही, जिन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है, उन्होंने अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन को ढेर कर दिया। आपको बताते कि उन्होंने यमन के तट पर एक ऐसी अमेरिकी ड्रोन को गिराया है जो ड्रोन अमेरिका का सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है। इस घटना को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। उन पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हूतियों ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को उस समय अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र और जल क्षेत्र में निशाना बनाया जब वह एक मिशन पर था। इसके साथ ही सेंट्रल कमांड अब इस घटना की जांच कर रही है। कुछ समय पहले भी हूती विद्रोहियों ने हमले की कोशिश की थी। उस समय अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ने हूतियों की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया था। ये ड्रोन और मिसाइल लाल सागर के साथ उत्तर की ओर जा रहे थे। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिका और गठबंधन के ठिकानों पर कम से कम 40 बार हमला किया जा चुका है। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिकों को ब्रेन इंजरी समेत कई तरह की चोटें आई हैं। एक सीनियर अधिकारी ने कहा है, इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना पर हमला करने के लिए ईरान को सबसे बड़ा सेंट्रल बताया है। उन्होंने कहा कि इन सभी के पीछे ईरान का हाथ है।